भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है मसरक के बहरौली गांव, और लगातार जो यहां पर बीमार लोग हैं या मृतक हैं उनके घर पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ संजय बहुक जी हैं। संजय जी, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग देखते हैं? कौन सा घटनाक्रम, ये कैसी स्थिति है? इस स्थिति से सरकार वाकिफ नहीं है क्या? इस गांव में अभी लाश जलाई जा रही है, जिस गांव में बिहार भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है जी। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, निवेदिता जी, सब लोग मौजूद हैं जी। और वैसी स्थिति में क्या राजनीति कर रहे हैं साहब? राजनीति बहुत होगी लेकिन कम से कम जवाब देना होगा। इस मौत का जवाब दे कौन है? आप लोग ग्राउंड पे आए हैं, ग्रामीणों का कहना है कि संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन प्रशासन कम बता रहा है। नहीं, हम तो बराबर कह रहे थे, हम तो कल ही से बता रहे थे कि यह संख्या ज्यादा है, सरकार लीपापोती का खेल कर रही है। क्यों नहीं आए सरकार के प्रतिनिधि? कौन से मंत्री जी यहाँ आ गए हैं? किसने आंसू पोंछा है बिहार की जनता का? तो ये सही नहीं है, यह रिश्ता मानवीयता का है, कम से कम मानवीयता का ख्याल करना चाहिए जी। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि रिश्ता जो है वो मानवीयता का है, और इस मानवीयता के रिश्ता को कम से कम मुख्यमंत्री को ख्याल रखना चाहिए। मसरक के बहरौली से छपरा टुडे के लिए सुरभित।